आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड एक बार पहले भी यहाँ पे आया लेकिन सांप हमें मिला नहीं। ठंड का टाइम है यहाँ, बाहर सांप धूप सेकने निकलता है फिर किसी को देखता है फिर अंदर चला जाता है। तो बड़ा मुशक्कत के बाद अभी जस्ट कॉल आया है और हम यहाँ पे पहुँचे, सांप यहाँ पे फंसा है। एक बार निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही फंसा हुआ था यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं लगा निकालने में, तो ठंड में हाइबरनेशन में जा नहीं पाया, यहीं पे छुपा हुआ था सांप। देख सकते हैं आप थोड़ा सा फंसा हुआ है यहाँ पे, हल्का सा बहुत सा निशान भी लग रहा है। शाइडे शाइडे तो फ्रेंड ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और हाइबरनेशन में जा नहीं पाया। यहाँ पे एक गोडाउन है छोटा सा और इस गोडाउन में ये फंसा हुआ था। स्पेक्टिकल कोबरा साइंटिफिक नेम नासा नासा, तभी इसको हम करेंगे और लेके चलेंगे वर्ल्ड में रिलीज करने के लिए। तो चोट का निशान हल्का फुल्का लग ही रहा है, दब चुका था पेटी में, क्रम्प ली मतलब पेटी थे टांग दिली नहीं पेटी सुरक्षित है सुरक्षित है वही शेष में लगी से पुतला में वही कुनाई सिलो वो हमारे पेटी सुलग ना बहुत 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 सुराई और तो लपारे से बैठ कर वही ना बारे मत दे फाइनली ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि तो एक बार यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ पे हमें मिला नहीं था। डिब्बा खोलो चलो सांप का भी किस्मत अच्छा है जो कि मरते मरते बच गया है। तो फ्रेंड पहले से ऑक्सीजन के लिए हम इसको होल्ड करके रखते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि कई लोगों का कमेंट्स आता है कि भैया आप तो सांप को कैच करते हो तो उसमें होल्स नहीं होते हैं बट वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता, लेकिन ये छोटा छोटा होल है जो कि दूर से कैमरा में फोकस कर नहीं पाता है। अट्टाई चलो तो चलो इस भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक सांप को बचाया, एक जीवन को बचाना बहुत ही महत्व रखता है। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, रेस्क्यू हो गया ना, अब तो कोई डर नहीं है ना। ना। तो फ्रेंड चलते हैं लेके और फर्स्ट में फ्रेंड सांप को लेके हम पहुंच गए जंगल में यहाँ पे रिलीज करने के लिए, शाम भी हो चुका है। तो चलो किस्मत अच्छा है कि वहाँ पे जो ये सांप जिस पेटी के नीचे दबा हुआ था तो ये सांप का जान बच चुका है, तो हमें भी बहुत ही खुशी है कि ये एक सांपों का जान बच चुका है। तो फ्रेंड यहीं के फॉरेस्ट में करते हैं रिलीज़। तो फ्रेंड ठंड में ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इससे पहले मैं रेस्क्यू करते समय भी बताया कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, छुपने के लिए ये हाइबरनेशन में जा नहीं पाया और ऊपर किसी गोडाउन में ही रह गया।
फ्रेंड आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा फुर्ती हो चुका है साहब, थोड़ा सा फुर्तीला हो चुका है पहले से, क्योंकि डब्बे के अंदर था थोड़ा सा गर्मी लगने के कारण इसका खून गर्म हो चुका है और ये तेजी से जंगल की तरफ जाने लगा है। तो देखिए किस प्रकार से ये फन फैला है। तो फ्रेंड जाने देते इनको। बच्चे हो ना। तो फ्रेंड हमारे तरह आप भी अगर जीव जंतु से प्यार अगर करते हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और बगल में बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।